धर्मशाला में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है धर्मशाला में भाजपा के युवा विधायक विशाल नेहरिया जनवरी माह में ज्यादा सक्रिय हुए तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल रहे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी भाजपा और विधायक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है जिससे धर्मशाला में राजनीतिक गर्माहट आ गई है ऐसे में विधायक विशाल नेहरिया व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा आमने सामने आ गए हैं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला रोपवे के आनंद फानन में किए गए उद्घाटन और चार दिन बाद इसे बंद कर दिए जाने पर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि जब रोपवे पूरी तरह से तैयार नहीं था तो उद्घाटन करवा कर लोगों की जान को खतरे में क्यूँ डाला गया उन्होंने कहा की इससे स्पष्ट होता है की रोप यातायात के लिए सौ फिट नहीं था इस बात को रोपवे बनाने वाली कंपनी जानती थी और इसको कंपनी ने गुप्त रखा रोपवे के साथ करार में ये शर्त थी कि 1000 व्यक्ति एक घंटे में सफर करेंगे लेकिन रोपवे से मात्र 650 लोग ही इतने समय में सफर कर सकेंगे उन्होंने कहा कि इन सब बातों से पता चलता है कि जहां एक तरफ रोपवे कंपनी की लापरवाही रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सिर्फ अपना फट्टा लगाने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया और कई लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ अपना फट्टा टांगने के लिए भाजपा सरकार और विधायक ने आनंद फानन में इसका उद्घाटन करवा दिया है जबकि अभी तक कई तरह की औपचारिकताएं अधूरी है और काम भी अधूरा है सुधीर शर्मा के आरोप पर पलटवार करते हुए विधायक विशाल नेहरिया ने सुधीर शर्मा को जमकर आड़े हाथ लिया विधायक विशाल नेहरिया ने कहा की धर्मशाला रोप वे सवाल उठा पूर्व मंत्री सिर्फ राजनीतिक रोटिया सेक रहे हैं ऐसा करके लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं की ये पहले ही कंपनी ने तय किया था कि कुछ समय के लिए रोपवे को बंद रखा जाएगा अब फिर से रोपवे का सफर शुरू होगा धर्मशाला में भाजपा व कांग्रेस विभिन्न फ्रंट पर आमने सामने हैं। धर्मशाला में राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करके सरकार के काम काज सवाल उठा रहे हैं सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में धर्मशाला विधानसभा में किए गए शिलान्यास और उद्घाटनों को लेकर सरकार को घेर चुके हैं पूर्व मंत्री का कहना था कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय भाजपा ले रही है पूर्व मंत्री द्वारा सरकार के विकास कार्यो पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर धर्मशाला में कांग्रेस व भाजपा नेताओं के बीच सियासत गरमाने लगी है स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया का कहना है कि पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कार्य नहीं किया है और जब भाजपा की सरकार काम कर रही है तो उन्हें लग रहा है कि प्रदेश में काम ही नहीं हो रहा नेहरिया ने कहा कि चुनावी वर्ष होने पर ही पूर्व मंत्री को विकास कार्य क्यों याद आ रहे हैं चुनावी वर्ष शुरू होते ही धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित बचे कार्यो को लेकर स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया सक्रिय हो गए है विधायक विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यो की समीक्षा खुद कर रहे हैं केंद्रीय विश्व विद्यालय निर्माण सहित क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को लेकर विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया और परियोजनाओं को समाप्त करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी ताकि आगामी चुनावों में विधायक जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकें।